ऑलराइट गाइस, तो यार मैं सिंपली ये देखना चाहता था कि क्या होगा अगर हम पेट्रोल और दूध को आपस में मिक्स करते हैं। लेकिन गाइस फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम इसके साथ में इनो को भी ट्राई करें, क्योंकि यार इनो की वजह से हमें थोड़ी सी बबल्स वाली रिएक्शन देखने को मिलेगी। ऑलराइट गाइस, तो चलो यार पहले डालते हैं हम पेट्रोल इस बीकर के अंदर। ऑलराइट गाइस, और अब हम इसके अंदर डाल देते हैं इनो। गाइज आप देख सकते हैं कि इनो जो है पेट्रोल के साथ में जरा सा भी रिएक्ट नहीं करता है। ऑलराइट गाइज, तो ये डाल दिया हमने इनो, तो चलो अब इसके अंदर डाल के देखते हैं दूध और फिर देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। वो गाइज लुक एट दैट, ऐसा लग रहा है जैसे वोल्केनो इरप्ट हो रहा हो, वो भी दूध का। और गाइस जो दूध है वो फट चुका है। और गाइस ये अभी तक भी इरप्ट हो रहा है, और गाइस ये देखना काफी कमाल है। इजंट ऑसम यार, सच में काफी कमाल की रिएक्शन थी देखो। और गाइस जो दूध है वो फट चुका है। गाइस आप देख सकते हैं कि दूध जो है वो पूरी तरीके से फट चुका है, और इसके अंदर से जो प्रोटीन होता है वो अलग हो गया है, और जो वाटर है वो अलग हो गया है। वो दैट वाज सो एपिक यार, ये सच में काफी अजीब है देखिए। और गाइस जो पेट्रोल है वो वैसा का वैसा ही इसके ऊपर है, और जो बीकर है इसके अंदर से काफी ज्यादा बबल्स निकल रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा हिलाता हूं। ऑलराइट गाइस, तो यार जो दूध था वो सारा का सारा इस बीकर से बाहर निकल गया, और ये सारा दूध फट चुका है। ऑलराइट गाइस, तो चलो यार इसके अंदर थोड़ा सा दूध और डाल के देखते हैं, और फिर देखते हैं कि और कुछ होता है या फिर नहीं। ऑलराइट गाइस, तो यार आई थिंक जो रिएक्शन है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। काफी सिंपल था। अब आप देख सकते हैं कि जो फटा हुआ दूध है वो ऊपर तैर रहा है, यहाँ पर पेट्रोल है, और यहाँ पर हमने जो अभी दूध डाला वो है। ऑलराइट गाइस, तो यार मतलब काफी कमाल की रिएक्शन थी, काफी सिंपल सी, जिसमें हमने सिर्फ दूध, इनो और पेट्रोल का यूज किया, और हमें देखने को मिला एक कमाल का वोल्केनो इरप्शन। और गाइस साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि अगर हम दूध और पेट्रोल और इनो को मिक्स करते हैं तो जो दूध होता है वो फट जाता है, उसके अंदर से पानी अलग हो जाता है, और जो प्रोटीन होता है वो अलग हो जाता है। ऑलराइट गाइस, तो यार आज के लिए बस इतना ही। काफी सिंपल सी वीडियो थी, अच्छी लगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस घंटी बटन दबाने के लिए भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपके इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।